गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और हम लोग आज अपनी इस सीरीज में अगेन जेई एडवांस 2023 मैथ्स पेपर वन के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए, हमारा एक क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था एडवांस के पेपर में, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था ये। उसने हमें बताया है कि ये आपके पास 755, ये एक्चुअल में ये जो आर है वो यहाँ तक का है, मीन्स आपका 7555 अपॉन ये, तो ये टोटल कितने नंबर ऑफ फाइव है, आर है। तो इसलिए ये आर प्लस टू टोटल आपके पास क्या है, डिजिट्स हैं। सो हमें बोलता है कि इस सीरीज का जो सम है वो हमारे पास क्या है, एस है। तो बोलता है आप एस की वैल्यू निकालिए। एस हमारे पास क्या टर्म है, 7555 और 57 प्लस एम अपॉन एन, ये एक हमारे पास टर्म है। और तब हमें इसकी m प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम लोग इस नंबर को देखें, ये 7555 ये टोटल 99 टाइम्स है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 7 इंटू, ये टोटल 99 है डिजिट्स हैं, तो एक डिजिट ये हो जाएगी, तो इंटू 10 की पावर 100 हो जाएगा, प्लस 7 हम लोगों ने अलग कर लिया, ये लास्ट में जो 7 है वो अलग कर लिया। तो जब आप ये 7 अलग करोगे तो ये 555 99 टाइम्स प्लस 0 आ जाएगा, तो 10 हो जाएगा, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। तो इस नंबर को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं और ये टोटल आपके कितने आ जाएंगे, 99 आ जाएंगे, ठीक है। सो अब हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू 10 की पावर 100 प्लस 10 इंटू 5 अपॉन 9। तो जब आप ये 9 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 9999 कितनी बार हो गए, 99 टाइम्स हो गए। तो इसको अब आप लोग क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 99 माइनस 1, क्योंकि देखिए अगर 999 होता है फॉर एग्जांपल, तो ये कितना हो जाता है, 10 की पावर 3 माइनस 1, जितने नंबर ऑफ 9 है। तो यहाँ पर हमारे टोटल कितने नंबर ऑफ 9 बनेंगे, 99 दिस, ठीक है, प्लस 7। तो ये हमारे पास एक ही इस वाले जो टर्म को हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, ए एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर ए की अगर हम बात करें तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 7 इंटू 10 की पावर 100 प्लस 5 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 100 माइनस 50 अपॉन 9 प्लस 7, ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। अब हम लोगों को इस सीरीज का सबसे पहले सम फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास जो सीरीज है, क्या सीरीज है, 777 प्लस 757 प्लस 75557 डैश 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 प्लस 75555 एंड 7, ये हमारे पास टोटल कितने टाइम्स है, 98 टाइम्स है। तो इस सीरीज को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, सबसे पहले देखिए अगर हम बात करें, यहाँ पर ये हमारे पास 77 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 70 प्लस 7 लिख सकते हो, 757 को क्या लिख सकते हो, 700 प्लस 50 प्लस 7 लिख सकते हो, 7557 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 55 प्लस 7, इस तरह से हम लोग ये लिख सकते हैं। तो इस सीरीज में से हम लोग सारे टर्म्स ये अलग कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 7 इंटू 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब और लास्ट में हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 की पावर 98। तो आपके ये हो गए, देखिए जब आपने यहां पर था तो 70 था, यहां पर था तो 700 था, तो यहां कितना आ जाएगा, 10 की पावर 99 आ जाएगा, एक डिजिट उससे एक्स्ट्रा आ जाएगी। प्लस अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ये जैसे आपके आ जाएगा 55 50, तो इसमें से हम लोग एक 10 कॉमन ले लेंगे और ये हमारी सीरीज बन जाएगी 555 प्लस 555 और प्लस 555, ये कितना हो जाएगा आपका 98 टाइम्स और ये आपके 7 टोटल कितने हो जाएंगे, 99 इंटू 7 आ जाएगा। तो इस सीरीज की एस की जो वैल्यू हमारी आ जाएगी, एस इज इक्वल टू 7 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 99 माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 प्लस 10 इंटू 5 अपॉन
9 आ जाएगा और यहां पर आपका 9 आ जाएगा, तो 10 माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 10 क्यूब माइनस 1 एंड डैश 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 प्लस, टोटल ये आपके पास कितने थे 98, तो 10 की पावर 98 माइनस 1 और प्लस 99 इंटू 7 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा इधर 7 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 100 इंटू 10 की पावर 100 माइनस 70 अपॉन 9 और इधर आ जाएगा 10 इंटू 5 अपॉन 9 और इधर आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर 98 माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 और टोटल ये कितने 1 है, माइनस का 98 और प्लस 99 इंटू 7 आ जाएगा। क्लियर बच्चों? तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 100 माइनस 70 अपॉन 9 प्लस 5 अपॉन 81, ये आपका 5 अपॉन 81 हो जाएगा और इंटू 10 की पावर 100 आ जाएगा माइनस इधर आ जाएगा 98, 980 इंटू 5 अपॉन 9 प्लस 99 इंटू 7 ये आ जाएगा। अब आप लोग देखिए, इसमें से अगर हम लोग 1 अपॉन 9 कॉमन ले लें इन दोनों टर्म में से, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 7 इंटू 10 की पावर 100 प्लस 5 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 100 और इसकी हम लोगों ने वैल्यू है ना पीछे निकाल रखी है, माइनस 70 अपॉन 9 माइनस 70 अपॉन 9 माइनस 980 इंटू 5 अपॉन 9 प्लस 99 इंटू 7 ये आ गया। क्लियर? तो अब हम लोग इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, तो इस जगह पर हमारे पास आ जाएगा s इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 और ये वाला जो टर्म है इसकी वैल्यू हम लोगों ने ये निकाल रखी है, कितनी हमारी आ रही है यहाँ पर a की वैल्यू आ रही है, a इस टर्म की जो वैल्यू आ रही है a प्लस 50 ब्रैकेट में a प्लस 50 अपॉन 9 सर 50 अपॉन 7 ये 50 अपॉन 9 आएगा 50 अपॉन 9। क्लियर? तो 50 अपॉन 9 माइनस का 7 क्लियर ये हो गया, ये हमारी इसकी वैल्यू हो गई ठीक है, और माइनस 70 अपॉन 9 70 अपॉन 9 माइनस का इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4900 अपॉन 9 और प्लस 6 90 63 और 69 693 ये हमारा इसका वैल्यू आ गया। क्लियर? तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका a अपॉन 9 प्लस 50 अपॉन 81 माइनस 7 अपॉन 9 माइनस 70 अपॉन 9 माइनस 409 अपॉन 9 और प्लस 693। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे s इज इक्वल टू तो a 9 a आ जाएगा, हम भाई देखे एलसीएम हमारा कितना अब आ जाएगा 81 आएगा, तो 9 a अपॉन ये टोटल मैंने ना सब जगह 81 कर दिया बेस पे, तो ये आपका आ जाएगा 9 a प्लस 50 माइनस 630 और माइनस 630 माइनस ये आपका कितना आ जाएगा 630, इसमें भी 9 का मल्टीप्लिकेशन किया माइनस 4990 इंटू 9 और प्लस 693 इंटू 81। तो जब आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 9 a प्लस 50 माइनस 63 माइनस 630 माइनस 00 और 81 81 36 और 444 और प्लस इसका हमारा प्रोडक्ट आएगा 693 के साथ 56133 अपॉन 91। तो एक बच्चों हमारा एक टर्म मिस हो रहा है यहाँ पर, ये हो गया ये हो गया ये हो गया क्लियर, और
माइनस का इस जगह पर आपका आएगा माइनस का 500 अपॉन 81, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 500 अपॉन 81। इस जगह भी ऐसे ही आ जाएगा माइनस का 500 अपॉन 81, माइनस 500 अपॉन 81, माइनस 500 और माइनस का 500। क्लियर? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 9a प्लस 10890 अपॉन 81, तो दिस इज इक्वल टू a प्लस 9, ये आपका आ जाएगा 12 10 अपॉन 9 से, 9 से हमने इसे कैंसिल कर दिया, 12 ये हो गया, 90 ये हो गया। तो m प्लस n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, m की वैल्यू हमारी इस जगह पर आ गई 1210, n की वैल्यू हमारी आ जाएगी 9, तो इसका हमें सम कितना मिल जाएगा, 1219 मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1219 आ जाएगा इसका सम। क्लियर बच्चों? तो काफी बड़ा क्वेश्चन था सिक्वेंस एंड सीरीज का और कैलकुलेटिव था, अगर हल्का सा भी इसमें मिस्टेक हो जाती तो फिर आपको पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल था। ओके बच्चों, थैंक यू।